हेलो पीपल, आई एम हिमानी भट्ट एंड आज हम दिल्ली वालों से पूछेंगे कि लड़कियों को गुड बॉयज पसंद है या बैड बॉयज। तो चलिए दिल्ली वालों से जानते हैं इस बारे में। सो आपको क्या लगता है, लड़कियों को बैड बॉयज पसंद होंगे या गुड बॉयज? सी, अगर टाइम बीइंग रिलेशनशिप चाहिए तो फिर बैड बॉयज, अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए तो गुड बॉयज। मिक्स, बोथ गुड बॉयज मिक्स। अच्छा, मतलब मिक्सचर चाहिए हर एक चीज में, दोनों का मिला के दे दो हमें। यहां बेसिकली कैन कैटेगराइज like girls, if they want to hang out, they prefer more kind of bad boys. Or if they fall into relationship, then they prefer good guys. बुरे बुरे टिक टिक टाइप, मतलब like थोड़े गुड, थोड़े थोड़े गुड और थोड़े थोड़े हरामी टाइप वाले। नहीं सही में, मतलब like tattoos होने चाहिए body पे, funky shirts पहन के घूमे, हाथों में bands, ये सब पसंद है मुझे तो। ये dream boy है, घूमे हमारी तरह, हमारे साथ घूमे, मस्ती करें। भाई घूम रहे तो लगना चाहिए कि मेरा बंदा है वो। हाँ भाई हमारे, नहीं तो मजा नहीं आएगा। नहीं ऐसा हो कि मेरे होने से उसकी पर्सनैलिटी ना बढ़े, उसके होने से मेरी पर्सनैलिटी बने। हाँ see, it's like now presently I'm dating, he's a very good boy, but the my past one, he was a very bad boy. I used to literally like ponder around him, even if he never used to give me any bhav, then too I was like, yeah, I want this guy only. But when that good guy came in my life, it was like, you know, somewhere the end result comes into like good guys do deserve some good people. So I, the end result was like good good guys. So good boy. Yeah. Good boy. Yeah. That's right. Yeah. The boy who is good for me, good with me and bad with others. अच्छा, तो आपको ऐसा boys पसंद है? Bad boys. Why? Because I think it's all naughty girls always like naughty boys, so it's all about like. I always like bad boys because मैं जब college time में थी तो मुझे हमेशा bad boys attack करते थे क्योंकि वो chill out रहते थे, cool रहते थे और you know geek type के नहीं थे। तो गीक टाइप के लड़के थे, पढ़ाकू, ऑलवेज बिजी रहना, उस टाइप के। तो इसलिए आई ऑलवेज प्रेफर बैड बॉय इन माय कॉलेज डे। मेरे अकॉर्डिंग तो बैड बॉय ज़्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि बैड बॉय को हम गुड बॉय बना सकते हैं। अच्छा, बट गुड को नहीं? गुड को नहीं बना सकते क्योंकि वो अपने आप को इतना गुड समझते हैं कि वो कुछ दूसरों को समझते ही नहीं है। बैड बॉयज बाय चेंज हो चुकी है लड़कियों की। तो बैड बॉयज तो टेम्परेरी होते हैं, तो वो चलेगा? चलेगा आजकल, आई डोंट थिंक सो। इतने ज़्यादा एलोंगेटेड रिलेशनशिप कोई नहीं चलता। एग्जैक्टली, यू वांट जस्ट वन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, बाकी इज ओके। अच्छा, बाय गुड बॉयज। बहुत सो क्वालिटी होगी ना गुड बॉयज़ के आपके हिसाब से? मुझे लगता है गुड बॉयज़ ज़्यादा लॉयल होते हैं। अच्छा, तो इसीलिए लॉयल्टी सबसे पहले होनी चाहिए। इट शुड बी अ मिक्स ऑफ बोथ, बिकॉज किसी भी एक के साथ फिर एडजस्ट करना ज़्यादा ईजी होगा ना, मतलब दोनों मिक्सचर क्वालिटीज़ होगी तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, मतलब दोनों का मिक्सचर मिल जाए, ठीक है ना? गर्म पानी ठंडा पानी मिला के पीलेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ज़्यादा प्रेफरेबल होता है ना हमेशा। अच्छा। एक पियेंगे तो नुकसान ही होगा। अच्छा, गुड बॉयज़ की कोई क्वालिटी? एटलीस्ट वो एक बार बोले तो वो सुन लेते हैं बातें, बैड बॉयज की वो सुनते नहीं है। दे लाइक कि अगर वो लड़की पीछे भाग रही है तो भागे भागे, गुड गाइज आर लाइक कि अगर एक बार सॉरी बोल दिया दिल गुड, ठीक है कोई बात नहीं है, अब मैं आ रहा हूँ वापस। तो बैड बॉयज टेम्प्रेरी भी होते हैं? हाँ, बहुत टेम्प्रेरी होते हैं। हम लोग फ्यूचर नहीं सोच सकते, स्पेशली बीइंग अ गर्ल, वी डू थिंक कि चलो फ्यूचर बन जाएगा, बट बैड बॉयज आर लाइक ठीक है हाँ, अगर एफर्ट डालना बंद कर दोगे दे वोंट इवन बी कमिंग बैक, दे वोंट पुट एनी एफर्ट्स। एक्चुअली ना क्या है, ज़्यादा गुड होंगे तब भी दिक्कत है, ज़्यादा बैड होंगे तो भी दिक्कत है। ज़्यादा गुड होते तो मतलब ऐसा लगता है ना बोरिंग टाइप के, कि हाँ जो बोले यहाँ खड़े रहना तो वहीं खड़े हो जाते हैं। बैड बॉयज, कंप्लीटली बैड बॉयज। अच्छा, मीडियम मीडियम, मतलब दोनों चाहिए, रिक्वायर्ड एक्चुअली, बोथ क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड। उसके टैटूज होने चाहिए, कानों में पियर्सिंग होनी चाहिए और हाइलाइट्स होने चाहिए, मुझे तो बहुत पसंद है और अभी के तो हैं यार। ड्रीम बॉय है या आप ऐसे सोचे पटा लेंगे या है? है लड़की है यार, मैं फोटो दिखा सकती हूं मेरे पास, सेम है हां, उसके टैटूज हैं, नेक पे भी टैटू है, पियर्सिंग भी हो रखी, सब कुछ हो रखा है। तो फिर तो कांग्रेट्स है आपको, तो ड्रीम बॉय मिला। बट यार मिला नहीं है ना, शादी करेगा नहीं करेगा ये नहीं पता ना। अच्छा, मतलब आपको ऐसे है यार, कभी फाइनल नहीं है ना यार, तो ऐसे ही आपको शादी भी करनी है? हां, लगता है टेंपरेरी होते हैं बैड बॉयज। नहीं, डिपेंड करता है कि लड़का कौन है, अब सब एक जैसे तो नहीं होते ना। और अगर शादी करनी हो तो बैड बॉय चलेगा? डिपेंड्स, बैड बॉय टर्न गुड बॉय। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल टॉप न्यूज नेटवर्क, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन, बाय बाय।